संस्कारधानी जबलपुर के लोग वीर बजरंगी के परम भक्त हैं और पूरे जबलपुर में चारों तरफ बजरंग बली के बहुत ही अद्भुत और विशालकाय मंदिर स्थापित हैं। तो उसी कड़ी में आज हम आपको लेकर के चलते हैं जबलपुर के बड़ा फुहारा के पास स्थित इस बड़े महावीर के प्रसिद्ध मंदिर की तरफ। और जबलपुर के इस बड़े महावीर मंदिर के इतिहास को जानकर आप भी चकित रह जाएंगे। बात कुछ ऐसी है कि पेशवाओं की मुगलों पर विजय को लेकर लगभग 300 वर्ष पूर्व इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, जिसमें बजरंग बली की मोहिनी प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मोहिनी प्रतिमा में अलग ये होता है कि इसमें बजरंग बली गदा न लेकर के कमल का पुष्प लिए रहते हैं, और ये बड़े आश्चर्य का विषय है क्योंकि सदैव हमने हनुमान जी को गदा के साथ देखा है, पर इस मोहिनी प्रतिमा में वो कमल का पुष्प लिए बैठे हैं, जो कि अत्यंत प्रभावी प्रतिमा लग रही है। वैसे इस बड़े महावीर मंदिर के आर्किटेक्चर को देखकर आप इसकी प्रसिद्धि और प्राचीनता का अंदाजा लगा सकते हैं। शनिवार और मंगलवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगती है और प्रभु श्री राम और हनुमान जी के परम भक्त यहाँ पर आकर प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। मंदिर प्रांगण के बाहर आपको ढेर सारी पूजन सामग्री की दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप पूजा की सामग्री लेकर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। और निश्चित ही यहाँ पर आने से अंजनी सुत हनुमान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे, आपके सारे कष्टों का निवारण करेंगे। मैं पंडित आशीष रामचंद्र पुजारी, सरबराकार श्री बड़े महावीर जी मंदिर बड़ा फुहारा जबलपुर। श्री राम श्री बड़े महावीर जी मंदिर बड़ा फुहारा जबलपुर लगभग 300 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास है। पेशवाकालीन राजाओं ने, शासकों ने इस मंदिर की स्थापना की थी, तभी से हमारा परिवार इस मंदिर की सेवा अर्चना करता आ रहा है। मैं छठवीं पीढ़ी में इस मंदिर की सेवा कर रहा हूं, और मराठा शासकों ने जब मुगलों को यहां तक खदेड़ा तो यहां पर बड़े फुहारे पर सेना की छावनी बनाई गई, जिसके तीन प्रमुख दरवाजे बनाए गए थे, जिसमें से कमानिया गेट, निवाड़गंज सब्जी मंडी में एक गेट और अन्नपूर्णा मंदिर के सामने, गल्ला मंडी के सामने एक गेट बनाया गया। यह सेना की छावनी थी और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम कब्रिस्तान हुआ करता था। इस कारण सेना में आई हुई महिलाओं को भय व्याप्त होता था, जिनके भय के निदान करने के लिए यहाँ हनुमान जी, काल भैरव एवं उत्तिष्ट गणेश की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई, और हमारे परिवार ही द्वारा तब से निरंतर यहाँ पर सेवा अनवरत जारी है। यह पूरे भारत में अलौकिक स्वरूप हनुमान जी का यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये हनुमान जी का मोहिनी स्वरूप है। ये ओंठों पे लाली लगाए हुए हैं, आंखों में काजल लगाए हुए हैं, इनके हाथ में गदा नाम का अस्त्र नहीं है, यह कमल का फूल लेकर के खड़े हुए हैं, और इनके चरणों के नीचे माता निकुम्बला, जो कि रावण की कुलदेवी हैं, वह दबी हुई हैं। मंदिर में हर त्यौहार में एवं पर्वों में विशेष आयोजन किए जाते हैं, जिसमें कि सावन मास प्रमुख है। इसमें भगवान के हर मंगलवार को नित्य नित्य अलग अलग श्रृंगार किए जाते हैं, जैसे कि मोर पंख से श्रृंगार, चांदी के वर्क से श्रृंगार, गुलाल श्रृंगार, तुलसी श्रृंगार, भस्म श्रृंगार, मेवे से श्रृंगार, ऐसे भगवान के विभिन्न विभिन्न रूपों से, स्वरूपों से भगवान का श्रृंगार अलंकृत किया जाता है, और प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है।